हेलो एवरीवन माई सेल्फ चौधरी शबीना टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास एट चैप्टर नंबर वन नोन एज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स अब ये जो हमारा हेडिंग है इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे सो दैट हमें अभी क्लियर हो जाए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सो लिविंग अलाइव वर्ल्ड हमारी दुनिया एंड क्लासीफिकेशन और व्हाट इज क्लासिफिकेशन एक्शन ऑफ क्लासिफाइंग समथिंग बाय सी दर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज एंड दर डिफरेंसेस नाउ व्हाट इज माइक्रोब्स अब ये हमारा थोड़ा मेन फोकस है जो माइक्रोब्स होते हैं ना ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म है अब इतने छोटे ऑर्गैनिज्म हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते और आपको पता है ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं एयर में भी सॉइल में भी वाटर में भी इनका बहुत यूज़ है हमारी लाइफ में इसलिए हमें इसको पढ़ना है नाउ ये चैप्टर चालू करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेस पढ़ना होगा थोड़ा बहुत बेस पढ़ना होगा तो हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं और इज बाइनोमियल नॉमन बाइनोमियल नॉमन क्लेचर जो है उसको पढ़ने से पहले हमें बाइनोमियल का मतलब क्या नॉमन क्लेचर का मतलब क्या वो जानना जरूरी है तो बाइनोमियल को हम ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं और नॉमन क्लेचर को भी डिवाइड कर देते हैं अब ये जो मैंने डिवाइड कर दिया इससे हम क्या आप इजीली समझ पाएंगे कि इस दोनों वर्ड का मतलब क्या है तो ये जो बाय है इसका मतलब तो टू होता है सबको पता होगा और जो नोमियल का मीनिंग ही क्या है नेम और नॉमिन का भी मीनिंग नेम कलैचर का मीनिंग होता है कॉल अब ये जो बायनोमिन नीचर एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम इस इंटरनेशनल रूल से ही रखा जाता है कुछ रूल्स हैं इसके कैसे रखने नाम अब ये सिस्टम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम देता है फॉर एग्जाम्पल आपका एक नाम होता है ठीक है जो स्कूल कॉलेजेस जॉब वगैरह में यूज़ होता है बट आपके बहुत सारे पैटनेम्स भी होते हैं कोई मॉम ने रख दिया कोई डैड ने रख दिया कोई फ्रेंड्स ने रख दिया कोई फैमिली में किसी और मेम्बर ने रख दिया या सिबलिंग्स ने रख दिया तो पर आपका एक स्टैंडर्ड नेम हमेशा रहता है जो आपके स्कूल को ऑफिशियल कामों में यूज़ होता है आपके पैटनेम तो बहुत होते हैं ऑफिशियली वो यूज़ होता है क्यों क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड नेम है बट कॉमन नेम बहुत सारे हो सकते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम जब आ रहा था तभी उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक ही स्टैंडर्ड नेम होगा कॉमन नेम लोकली लोग कुछ भी किसी को बुला सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम को कुछ भी बुला सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में हैं हम इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को लोकली बुलाते हैं राइट बट अब हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं इंग्लैंड ठीक है आ, या हम जाते हैं अमेरिका और हमें सिर्फ हिंदी आती है तो हम वहाँ जाके एडजस्ट एक, नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं कर पाएंगे और हम जब इंडिया में हैं तब हम हिंदी बोल के अपने सारे काम कर सकते हैं बट वेन वी आर इन अ फॉरन कंट्रीज़ वी कांट अनटिल अनलेस हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज हो जो उनको भी समझ में आता हो जो मुझे भी समझ में आता हो इसलिए जैसे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लोग मतलब हर कंट्री में इंग्लिश को एक इम्पॉर्टेंस uh, दे रखा है क्यू? क्यों क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को आता है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रख दिया है कि किसी को कुछ ना आता हो बट उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगा सो दैट कि अगर कोई इंसान लोकली कहीं से जा रहा है तो वहाँ पे उसे एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम ना हो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज दे दिया एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया हर एक ऑर्गेनिज़म को अब इसके थोड़े से तरीक़ा है कि इस ऑर्गेनिज़म का नाम कैसे दिया जाए तो पहले वो लोग क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं एनिमल है प्लांट है फंगा है या क्या है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ह्यूमन बींग को क्या बोला जाता उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है तो सबसे पहले वो क्या देखा जा रहा है किंगडम क्या है भाई हमारा मतलब मैं किस किंगडम से बिलोंग कर रही हूँ तो ह्यूमन बींग्स एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं फिर ये मैंने क्लासिफाई कर दिया कि भाई मैं प्लांट से बिलोंग नहीं कर रही हूँ मैं एनिमल से बिलोंग कर रही हूँ तो प्लान सारे पीछे हट गए अब सिर्फ मैं एनिमल्स में से ही अपने आप को क्लासीफाई करूँगी अपने आप को ढूंढूंगी कि मैं किससे सिमिलर हूँ किससे डिसिमिलर हूँ और धीरे 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 मैं चीज़ों को कम करते जाऊँगी और ईजी करते जाऊँगी अपने आप को बताने का अपना क्लासिफिकेशन बताने का तो किंगडम से फिर मैं अपना फाइलम ढूंढती हूँ कि भाई मेरा फाइलम क्या है ह्यूमन बींग का फाइलम क्या है ह्यूमन बींग का फाइलम कॉर्डेट्स है फिर मैं अपना क्लास ढूंढूँगी फाइलम के अंदर आता है क्लास मतलब सब डिवीजन सब डिवीज़न सब डिवीजन करके ही मैं अपने सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स को पहचान पाऊंगी और फिर मैं किस फाइल किस स्पीशीज़ या फिर किस जीनस से बिलोंग कर रही तभी मुझे पता चल जाएगा फिर मैं अपना फैमिली देखूँगी फिर मैं अपना ऑर्डर देखूँगी फिर मैं देखूँगी मेरा जीनस क्या है अब ह्यूमन बींग के जीनस को बोला जाता है होमो और स्पीशीज़ को बोला जाता है सेपियंस और हमारा नाम क्या है होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम क्या है होमोसेपियंस अब आपको दो रूल्स हैं क्या रूल्स हैं ये वाला जो लेटर है मतलब genus, मतलब जेनेरिक नेम जो है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा ओके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और जो हमारा स्पीशीज है उसका लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा ठीक है अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो होमो का एच कैपिटल है ये हमारा कौन सा नेम हो गया जेनरिक नेम हो गया और हमारा सेपियन स्मॉल है ये हमारा कौन सा नेम हो गया स्पीशीज मतलब स्पेसिफिक नेम हो गया ठीक है अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ हमारे लाइफ से रिलेटेड अब मुझे कोई बोलेगा कि मैं अपना एक स्पेसिफिक अच्छा सा एक एड्रेस दूँ ठीक है तो मैं एक एड्रेस देने जा रही हूँ ठीक है तो मेरे पास प्लैनेट्स है बहुत सारे मैं उन सारे प्लैनेट में से अपना एक प्लैनेट मतलब जिस प्लैनेट में रहती हूँ जैसे कि मैं अर्थ पे हैं हम लोग तो मैंने अर्थ को ले लिया अब मैं अर्थ के अंदर जाऊँगी और बोलूँगी मैं अर्थ के अंदर किस कंट्री में रहती हूँ फिर मैं बोलूँगी मैं इंडिया में रहती हूँ फिर इंडिया के अंदर भी तो भाई कितने स्टेट्स हैं फिर मैं बताऊँगी कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ फिर महाराष्ट्र के अंदर भी तो भाई कितनी सिटीज़ हैं तो फिर मैं बताऊंगी कि मैं मुंबई में रहती हूँ अब मुंबई में भी तो हम कितने ज़्यादा कितनी ज़्यादा एरियाज़ हैं फिर मैं मुंबई से बताऊंगी कि भाई मैं किस एरिया से बिलोंग करती हूँ मैं मलाड से बिलोंग करती हूँ तो ऐसे ही बड़ा सा चीज़ था हमारे पास इतना बड़ा अर्थ था हमको अर्थ के अंदर से हमने क्या कर दिया छोटा कर दिया इंडिया कर दिया फिर इंडिया से हमने और छोटा कर दिया महाराष्ट्र कर दिया महाराष्ट्र से फिर हम और छोटे हो गए मतलब सब पे सब डिविज़न करते 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 हमको हमारा एक प्रॉपर एड्रेस मिल गया स्पेसिफिक एड्रेस अब इस एड्रेस के हेल्प से वो मे मेरे तक कोई भी पहुंच सकता है तो वैसे ही हम किसी भी एनिमल या प्लांट के बारे में कुछ भी उसका नाम देते वक्त हम उसकी कैरेक्ट्रिस्टिक्स को देखते हैं उसके डिफरेंसेस को देखते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं फिर हम डिवाइड करते हैं कि भाई ये इस फाइलम का है ये इस किंगडम का ये इस क्लास का ये इस ऑर्डर का है ठीक है बहुत ईजी है ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं